नान भाइयों ने सादा रोटी 8 रुपए और नान 15 रुपए का कर दिया। वजीर आला पंजाब का नान रोटी की कीमतों में इजाफे के ऐलान का नोटिस। सरदार उस्मान बुज़ार ने निरखों में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इंतजामी इकदाम उठाने का हुक्म दे दिया। मुतद्दा नान रोटी एसोसिएशन ने सादा रोटी और नान की कीमत में इजाफे का फैसला कर लिया। सादा रोटी 100 ग्राम 8 रुपए जबकि 120 ग्राम नान 15 रुपए का कर दिया गया। सदर मुतद्दा नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना है कि जिले इंतजामिया से मुजाकरात का सिलसिला जारी है। इस वक्त आटे की बोरी 800 रुपए तक जबकि फाइन की बोरी 1200 रुपए तक महंगी हो चुकी है। वाइस चेयरमैन मीर दाद खान के मुताबिक तंदूर मालकान को सस्ता आटा और फाइन फ्राहम किया जाएगा तो सस्ती रोटी और नान फरोख्त करेंगे। तंदूर मालकान अपना मजीद नुकसान नहीं कर सकते। उधर वजीर आला पंजाब ने नान रोटी की कीमतों में इजाफे के खुद साख्ता ऐलान का सख्ती से नोटिस ले लिया। उस्मान बुज़दार की जानिब से जारी हिदायत में कहा गया है कि नान रोटी की कीमतों में इजाफे का कोई जवाज नहीं। सूबाई काबीना कमेटी बराए प्राइस कंट्रोल नान रोटी की कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। इंतजामिया भी नान रोटी के मुकर्रर करदा नरखों में दस्तियाबी यकीनी बनाए। उस्मान बुज़दार का कहना था कि आवाम को मुकर्रर करदा निरखों पर नान रोटी की फराहमी हर सूरत में यकीनी बनाई जाए। मुकर्रर करदा निरखों से जायद वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नान रोटी की कीमत में बिला जवाज इजाफा करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा।